नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और करंटली इस समय के लिए आप लोगों की एडवाइस के लिए, आप लोगों की आगे कैसे प्रिपरेशन करने के लिए क्या किया जाए उसके लिए बेस्ट जो पर्सनल रहेंगे उनको मैंने बुलाया है। हमारे साथ आज जुड़े हैं अनुज। अनुज ने लास्ट ईयर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों एग्जाम क्लियर किए थे। करंटली आर्यव्रत बैंक में एज अ पीयू, एज अ स्केल वन ऑफिसर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समय ज्वाइनिंग को हुआ नहीं है, बट तैयारी अभी भी उनको याद है कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या किन किन चीजों का ध्यान रखा गया था, क्या डेली रूटीन रहता था, क्या लेवल था। तो आपकी जितनी भी मेजर मेजर क्वेरी जो आपने मेरे साथ शेयर की है कि जरूर जरूर पूछिएगा, वो सब मैं आज पूछने वाला हूँ और कम समय में ही अपने ज्यादा से ज्यादा जानकारी अनुज से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुज, स्वागत है चैनल पे आपका और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। थैंक यू सर, और ये मेरा गुड लक है, किस्मत है जो आपने वहां मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा अनुज, अपने सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा ये बता दो कि प्रिपरेशन कितने समय तक की थी सिलेक्शन से पहले पहले, मतलब आरआरबी पीओ बनने से पहले कितने साल मेहनत की आपने बैंक एग्जाम के फिल्म की। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और उसके एक साल तक मैंने होम ट्यूशंस वगैरह पढ़ाया था, तो एक्चुअली डिसाइड नहीं हो पाता था करना क्या है। थोड़ा माइंड हो गया था ऐसा कि घर में कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फाइनेंशियली घर को भी सपोर्ट करना था और खुद को भी एस्टैब्लिश करने का था, तो थोड़ा डाउट थे। फिर धीरे से क्लियर हुआ। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, 2018 जून में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो कुछ ऐसा मतलब कोई सोर्सेस तो थे नहीं, पता न्यू था बिल्कुल ही वहाँ पे। तो बस जैसे ही आरआरबी का फॉर्म आया था, दोस्त में आके फॉर्म फिल कर दिया था आज के दूरी प्रिपरेशन के साथ। और इत्तेफाक गुड लक कहूंगा कि वहाँ पे मेरा आरआरबी क्लर्क का प्री निकल गया था, पीओ नहीं हुआ था पर प्री निकल गया था उस साल। अच्छा, तो वहीं से एक स्टार्ट थी। अब जैसे ही प्री मिला तो अंदर से एक मोटिवेशन मिला कि हाँ ये शायद कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से प्रिपरेशन चलती थी और धीरे धीरे फिर सर कंटिन्यू हुआ। और फिर 2018 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 19 के स्टार्ट में ही मैं आपके चैनल से कांटेक्ट हुआ था। जैसे पता नहीं कहाँ से मुझे एक, हाँ मेरा एक फ्रेंड है कनरा बैंक में, तो उससे मुझे कांटेक्ट मिला था। उसने कहा था कि चैनल से जुड़ जाओ, तो फिर मैंने देखा क्लासेस देखी तो देखता था, फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को ग्रो किया, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था 2018। अच्छा, सही है सही है। मतलब 2020 से आप चैनल से जुड़े हुए, 2020 में भी आपने ट्राई किया होगा, 2021 में भी ट्राई किया था। 2021 में तो क्लियर ही कर दिया आपने, है ना। 2021 वाला जो एग्जाम था वो आपने क्लियर कर लिया। चलो वेरी गुड। दो ढाई साल लग गया था, ढाई साल लग गए आपको, पर ढाई साल में आपने अचीव कर लिया। तो ये ढाई साल की जो मेहनत आपने की या जो जो चीजें सीखी वो अपने इस साल के बच्चों के साथ शेयर करो यार, कि जैसे कि अभी करंटली आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ ही समय में प्री का एग्जाम है और प्री के महीने भर बाद आपका मेंस का एग्जाम है और क्लर्क वाले में तो इंटरव्यू का प्रोसेस रहता नहीं, पीयू वाले में उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस भी रहता है। तो जैसे कोई बिगिनर है बिल्कुल सर, उसने अभी ठाना है, आज के दिन ही सोचा है कि यार मुझे अब आरआरबी पीओ या क्लर्क बनना है, क्या पॉसिबल है क्या उसके लिए? कि अगर 12 जून हो चुकी है अभी आपके शायद तक, कब है एग्जाम? अगस्त में है ना, जुलाई में, अगस्त को शायद, एक या दो अगस्त को प्री है, हाँ, अगस्त में है फर्स्ट वीक में प्री एग्जाम। हाँ, तो अगस्त में वो प्री का एग्जाम लिखने वाला है, तो क्या उसके पास इतना समय है क्या कि अभी भी वो इतनी तैयारी कर ले कि पहली बारी में एग्जाम क्लियर हो जाए? तैयारी अगर सर कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है, बट ये नहीं कहूंगा कि मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे तो हाँ, दो महीने में भी तैयारी करके प्री लिख सकते हैं आप और उसका जो एक महीना है उसके बाद आप मेंस भी लिख सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, आपको ये तीन महीने है ना बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा स्टडी पे, सारा जो आप फालतू की चीजें होती हैं इधर उधर की उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी जैसे कि इस टाइम पे अराउंड, जब मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आप इस सिचुएशन में पिछले साल जब यहीं पे थे, तो करंटली आपका क्या उस टाइम रूटीन चल रहा था, शेड्यूल क्या चल रहा था कि भैया डेढ़ महीने बाद मेरा प्री का एग्जाम है आरआरबी का, तो अभी अनुज क्या कर रहा है, मतलब क्या उसके पढ़ने का रूटीन क्या है, कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या क्या घंटे किस किस सब्जेक्ट को दे रहा है, वो थोड़ा सा शेयर करो बच्चों को, बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली सर मैं मतलब टू बी फ्रैंक बिल्कुल
सही से बताऊं तो मेरा घंटे कोई फिक्स नहीं रहता था मैं कैसे कर रहा हूँ, पर ये था कि अगर मैंने एक टॉपिक पकड़ा है तो उस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, अच्छा फिर उसको मैं दोबारा अगर 2 महीने बाद भी पढ़ रहा हूँ तो फिर वो उसमें ऐसा नहीं हो कि मैं फंस रहा हूँ, वो टॉपिक अच्छा क्लियर होना चाहिए। अच्छा और सुबह का रूटीन होता था, मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था, उसके बाद ऐसे क्लासेस होती थी अपनी एज यूजुअल, 2 क्लासेस होती थी डेली बेसिस पे खाना था, उसके बाद जब भी टाइम मिलता था डिनर ब्रेकफास्ट फ्रेश होना उसके बाद, तो ये होता था करंट अफेयर के हम लोग रात में प्रैक्टिस करते थे अच्छा अपने ग्रुप में, जो बच्चे अलग से है ना जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं आप बहुत सारे से, तो उनके साथ हम लोग मिल करके प्रैक्टिस करते थे। तो करंट अफेयर हम लोग का ये होता था कि सुबह का अगर किसी का सेशन ले लिया क्लास से भी उसबुक से ले ली या पीडीएफ से कहीं से भी, उसके बाद उसको रात में रिवाइज करते थे। और रीजनिंग का ये था कि हम सर आपकी क्लासेस लेते थे प्री और मेंस की दोनों, और उसके बाद जो मॉक का कंटेंट मिलता था वहां से प्रैक्टिस करते थे, या कहीं से भी पीडीएफ मिल गई फ्री सोर्सेस जहाँ से भी मिल गया कंटेंट उससे प्रैक्टिस करते थे। तो घंटे फिक्स नहीं रहते थे हाँ, लेकिन फिर भी 8-9 घंटे तो हो जाता होगा अराउंड क्लासेस 8-9 घंटे तो आप मिला निकाल ही पाए। करके। हाँ अच्छा, हाँ और ये प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलते थे, या फिर ऐसा था कि प्री प्री पहले करना है फिर मेंस मेंस करना है, या नहीं फिर सर, वो बैलेंस? इसका बैलेंस 2019 में देख चुका था मैं पहले, ये था कि प्री प्री करना है फिर उसके बाद मेंस करना है, तो प्री तो निकलने लगे थे पर मेंस नहीं निकलते थे, अच्छा तो फिर वो समझ में आया था कि प्री के साथ साथ मेंस भी करना है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता वहाँ पे, मैक्सिमम 15-30 दिन का टाइम मिलता है, 30-35 दिन का बीच में, तो उतने में आप मेंस को नहीं कर सकते, तो आपको प्री के सही साथ साथ बात, मेंस लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये जो अपने प्री है, प्री के अंदर स्पीड बड़ी जरूरत पड़ती है, ऊपर से आरआरबी में यार कट ऑफ भी काफी ऊपर जाती है, और इस बार तो वैकेंसी भी कम है तो और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो इस स्पीड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब आपने कितने मॉक्स दिए थे प्री के? क्या ये रहता था हफ्ते में कितने मॉक देना, या डेली देना, या पास आ जाए तब ज्यादा देना? क्या रखते थे आप रूटीन मॉक्स का? डेली का डेली तो मॉक नहीं दे पाते थे क्योंकि क्लासेस होती थी, क्लासेस के बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, तो डेली नहीं, लेकिन हाँ वीक में 2 या 3 मॉक तो मिनिमम हो जाते थे अच्छा, प्री के। दो और फिर ही अगर होते। वहाँ पे कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसको हम स्किप करते थे, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे टाइम हमको स्पीड मेंटेन करना था और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी लानी थी, तो ये करते थे कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया और उसके साथ साथ जो बाकी के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर दिया, उसका टाइम बाद में मैच करते थे कि ये टाइम किया मैंने इतना टाइम में इतना लगा इसको, फिर क्वेश्चन को देखा कि कहाँ पे उसमें फंस गए थे और जिस क्वेश्चन में हम फंसे थे उस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर उसको हम आप लोगों से पूछते थे, सर से पूछ लिया या ग्रुप में शेयर कर दिया तो वहाँ से हेल्प मिलती थी, तो टाइम अच्छा और टाइम भी मैनेज करना होता है, एक्यूरेसी भी चाहिए आरआरबी में तो सर। अच्छा एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपके प्री के टाइम क्या स्कोर रहा था, याद है क्या? आरआरबी पीओ प्री में? पीओ प्री में मेरा था 63 मार्क्स और क्लर्क में था 79 79 सर, 79। अच्छा, पीओ प्री में था आपका 67, तो 63 कितना आया था सॉरी रीजनिंग में? 67 में से रीजनिंग में कितने मार्क्स थे अपने प्री में? अच्छा, रीजनिंग में सर, रीजनिंग में 39 या 38 था सर, और क्वांट में कम था। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया था? जैसे क्योंकि काफी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर बाकी प्री में तो 20-20 मिनट देते हैं, इसमें एक साथ ही 45 मिनट दे दिए, तो क्या मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार रीजनिंग सॉल्व करना हमेशा क्वांट से आसान होता है, ऑल्दो कि किसी का क्वांट बहुत ही अच्छा है तो वो अलग बात है। बाकी मैंने तो यही देखा है, क्योंकि मेरे तो खुद का क्वांट अच्छा था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं रीजनिंग को उतने ही टाइम जितना क्वांट को दे रहा हूँ ना, तो मैं ज्यादा सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती। ऊपर से आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि क्वांट से थोड़ा सा आसान आता है रीजनिंग का पेपर। क्वांट का अगर आसान भी है तो भी लेंदी आ जाता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो रीजनिंग और क्वांट का फिर ये आ जाता है कि सर कितना कितना टाइम दिया जाए, क्योंकि क्वांट तो ज्यादा टाइम चाहती है थोड़ा सा। तो आपने कैसे डिवाइड किया था पेपर के अगर अंदर, इसको कितना कितना मिनट दिया था, आपकी मैंने स्ट्रेटेजी थी अटेम्प्ट की वो बताओ। मेरा ये था कि मैंने स्टार्ट रीजनिंग से किया था अच्छा और टाइम टाइम अराउंड मैंने जैसा ऐसे आपने नहीं लेकिन एग्जाम के पहले आपसे भी गब बात हुई थी तो मैंने वहां पे भी ये किया था कि 45 मिनट है तो मेरा पहला अटेम्प्ट रीजनिंग पे रहेगा और वहां पे मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल मतलब 30+ क्वेश्चन तो हो जाते हैं इजिली, पेपर इतना भी टफ नहीं आता है लेकिन हाँ पेपर होता है अच्छा खासा, टाइम होता है एक तो कम, दूसरा पेपर भी अच्छा खासा होता है, और क्वांट के कंपेयर में रीजनिंग सर ऑलवेज
अब थोड़ा सा सही आता है, रीजनिंग मतलब आसान आता है, उसको करना आसान है। वहां पे 40 में 40 भी ला सकते हैं आप करके, लेकिन क्वांट में आप 40 में 40 थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको लाना। मुश्किल तो ये था, इसलिए मैं पेपर को हमेशा रीजनिंग से ही स्टार्ट करता था। आरआरबी का पेपर हो या किसी का भी, मैं रीजनिंग से ही स्टार्ट करता हूँ ऑलवेज। मैंने प्री लिखा है तो भी रीजनिंग से किया, मेंस में भी रीजनिंग से ही स्टार्ट किया। मेंस में तो भी प्री की बात करूँ, हाँ प्री प्री में मैंने ये किया था कि रीजनिंग को स्टार्ट किया था, और एक कोई पजल थी सर्कल की, तो मैं उसमें फंस गया। उस पजल को मैंने जो प्री भी इंस्ट्रक्शन थी उनको नोट किया था और उस पेपर को साइड में रख लिया था। करता गया तो कुछ अराउंड 17 या 18 मिनट में मेरा पेपर पूरा बन गया था। वो जो एक पजल थी वो छोड़ करके सारे क्वेश्चन बन चुके थे, और उसके बाद फिर मैं क्वांट में स्विच कर गया था। क्वांट में करता गया तो जो क्वेश्चन बन रहे थे उनको मैं बनाता चला गया, और उसके बाद जो नहीं बन रहे थे उनको मैंने मार्क पर रिव्यू कर रखा था। तो जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड 25 के प्लस 25 या 25 के करीब बन चुके थे, उन क्वेश्चन को मैं बना करके फिर उसके बाद जो मेरा एक पजल बचा था तो अराउंड कुछ बचा था। अच्छा क्वांट में सर टाइम ज्यादा लगता है, आप कितने भी एक्सपर्ट हो ना, तो उसमें अराउंड अगर 25 मिनट अगर आप फिक्स करके गए ना, तो पूरा 25 मिनट में आप 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही बना सकते हैं। बट अगर 20 मिनट देकर के आप रीजनिंग में 40 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप रीजनिंग को ही स्टार्ट करें, अगर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो भी। तो भी सही है, सही है। तो अनुज का सिंपल सिंपल फंडा ये है कि स्टार्ट अपने को रीजनिंग से करना है, और पहले फ्लो के अंदर बनाने बनाते जाना है। जहां पर थोड़ा सा भी अटकते लगो या नहीं बनना, उसको छोड़ दो। उतना टाइम ही नहीं है कि अपने दिमाग लगा के उसको पकड़ के बैठ जाएं कि हम एक्सपर्ट है, करना ही पड़ेगा। ये करने के चक्कर में तो सब गया, खत्म हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अटके, उसको वहीं पे छोड़ दो। बाकी आप पहले गो में 17-18 मिनट में काफी चीजें बना लोगे, एक आध सेट छोड़ के बाकी हो सकता है सारी चीजें बन जाए। फिर आप क्वांट्स पे आओ, क्वांट्स का भी यही फॉलो करो कि यार एक ही गो में जाने दो चीजों को, जाने दो जाने दो। बीच में जो अटक जिसमें अटक रहे उसको स्किप कर दो, बाकी जितना बन रहा है बनाते जाओ। फिर उसके बाद आपके पास डिसीजन है कि भैया अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये रीजनिंग में जिसमें अटके थे वो करना ज्यादा सही रहेगा, या क्वांट्स में जिसमें अटके थे वो करना रहेगा, वो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अपने मेंस पे आ जाते हैं। ये तो आपने प्री का अटेम्प्ट बताया कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया था। मेंस का पेपर भी बड़ा ऐसा है कि कंपोजिट टाइम है, 2 घंटे का, आई थिंक 2 घंटे और कितने मिनट का है, या दो सर 2 घंटे घंटे का ही होता है आरआरबी, 2 घंटे का है। दो तो घंटे एक का सौ 120 मिनट है, और 120 मिनट के लिए अपने पास 5 सब्जेक्ट है। कंप्यूटर भी है आप लोगों के, है ना? कंप्यूटर है, जीए है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी जो भी ले रहे हो। तो ये 2 घंटे को आपने कैसे डिवाइड किया था, आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, एक बार जल्दी से। सर। जैसा मैंने बताया आपको कि प्री में भी मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ, मेंस हो तो भी मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे कंपोजिट टाइम है वहाँ पे। अब आरआरबी में ये है कि मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था, और कुछ एक 22 या 23 मिनट में मैंने लगभग लगभग 28 क्वेश्चन के करीब बनाए थे। अच्छा, 22 से कितने, 22 से 23 मिनट में ना, 22 या 25 में, हाँ 22 से 23 मिनट 25 25 में बन गए थे मिनट लगभग 28 क्वेश्चन। हाँ तो उसमें 28 क्वेश्चन के करीब बन गए थे, 2800 या 2900 ऐसे कुछ क्वेश्चन बन गए थे। अच्छा। और एक पजल को मैंने मार्क पर रिव्यू कर रखा था, क्योंकि उसमें फंस रहा था। वो ये था कि वो डुएबल था, बट कुछ टाइम टेकिंग लग रहा था, तो मैंने उसको अलग रख दिया था। हाँ और उसके बाद मैं स्विच कर गया था जीए सिस्टम में। अब पता तो सबको ये है कि जीए कैसा आना है, अनप्रडिक्टेबल होता है, तो जो आता है उसको करते चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। तो जीए सिस्टम क्यों किया था, उसके बाद जीए में कुछ एक लगा था, वही 7-8 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, ज्यादा नहीं लगना था। 7-8 मिनट यहाँ पे लगे। हाँ और सेम चीज कंप्यूटर में थी, कंप्यूटर थोड़ा पीओ में थोड़ा सा ट्रिकी आया था, तो उसमें अच्छा, टाइम लग रहा था, लेकिन वो भी 10 मिनट में बन गया था। 10 मिनट में आपने अटेम्प्ट कर लिया जितना करना था ना, जितना आता था वो कर लिया। जी सर, और हाँ ये था, यहाँ पे एक्यूरेसी रखनी थी तो इसलिए टाइम थोड़ा सा कंप्यूटर में दिया था, क्योंकि ये स्कोर करने वाला होता है तो उसको स्किप नहीं कर सकते, अगर आता है क्वेश्चन उसको भी स्किप कर दो तो सही नहीं होता। सही। और फिर उसके बाद मैंने क्वांट को स्विच किया था, तो मेरा ये होता था पैटर्न, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, क्वांट, देन हिंदी। क्वांट अच्छा, में, क्वांट में मैंने पूरा टाइम लिया था, अराउंड मेरे पास हिंदी के लिए बचे थे लगभग 27 या 28 मिनट एंड में। तो क्वांट जो भी टाइम बचा था मेरा 40-45 मिनट मैंने क्वांट में लिया था, लेकिन फिर भी उतना मैं कर नहीं पाया था स्कोर वहां पे। नहीं, पर जैसे आपने रीजनिंग का 25 मिनट या 7-8 मिनट आपने आपके जनरल अवेयरनेस को दिया, 10 मिनट आपने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर के बाद फिर आपने इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट, इंग्लिश और हिंदी में से कौन सा था आपके पास?
हिंदी था सर मेरे पास, लेकिन मैंने हिंदी से पहले ये मैथ्स को करना थोड़ा सेफ जोन समझा था। हाँ, क्वांट को करना ज्यादा सही, जो बिल्कुल ठीक भी है, कोई टेंशन नहीं उसमें। क्वांट में फिर आपने कितने मिनट दिए? 30 मिनट? नहीं, 30 के ऊपर लग गया था सर, 30-35 मिनट लग गया था मेरे को। 35 मिनट? 35 मिनट तो दिए ही होंगे, पक्की बात है। तो आपके पास तो बहुत टाइम पड़ा है अभी तो। 35 मिनट आपने क्वांट, और ठीक है, इस से एक ही गो में 35 मिनट में जो जो हुए आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर इसके बाद आपके हिंदी आपने अटेम्प्ट किया, हिंदी में कितना समय लगा? हिंदी में मुझे लगा था लगभग 20 या 22 मिनट लगा था, लेकिन वहां पे अटेम्प्ट मेरे सिर्फ 28 हुए थे। अच्छा, 22 मिनट के अराउंड लगा। अच्छा, हिंदी भी बच्चों के कईयों की ये होता है कि जिनकी इंग्लिश में उतने अच्छे नंबर नहीं आते वो सोचते हैं हिंदी ले लेंगे और हिंदी में टॉप कर जाएंगे, ऐसा होता है? हिंदी में नहीं आ पाते हैं। अच्छा, हिंदी में भी नहीं आ पाते। ये कुछ अभी पिछले 3-4 साल से पैटर्न चेंज किया है IBPS में। पहले ये अच्छा होता था कि हिंदी में 30-35 इजिली आ जाते थे, अच्छा और अभी 3-4 साल से हिंदी का पैटर्न जो है वो अब इंग्लिश से टफ आने लगा है, ओहो, थोड़ा सा मॉडरेट आने लगा है हिंदी। तो अच्छा मे भी ये साल इजी कर दे इंग्लिश से, लेकिन कुछ पहले से पता नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 साल से इंग्लिश का थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी आना है, इंग्लिश थोड़ी सी वो हिंदी थोड़ी मॉडरेट आती है। अच्छा तो ये बच्चों को आप क्या, जो जिन बच्चों के पास जिन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है उनको आप क्या बोलोगे कि नहीं, उनके लिए करें या? नहीं, उनके लिए सीधी सी राय है कि आप इंग्लिश में ही जाएं, हिंदी में बिल्कुल नहीं जाएं। हाँ, हिंदी का बिल्कुल भी ना ये गलती मत कर देना कि यार इंग्लिश में तो कहाँ सर बहुत ज्यादा नंबर ला पाते, हमें ज्यादा आती नहीं, पर हिंदी भी तो नहीं आती, ये तो प्रॉब्लम है। इंग्लिश में कम से कम कुछ तो पढ़ाई कर रखी, हिंदी तो कब छोड़ी थी आपने? हिंदी का वही चीज है, हिंदी अगर हाँ बेसिक लेवल का कि कुछ भी लिख दिया और नंबर मिल गए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जिसके पास, जैसे जिसका हिंदी मीडियम में पढ़ा है या इसने हिंदी के अंदर हो सकता है कि नॉलेज अच्छा हो, पकड़ अच्छी हो, वो हिंदी मीडियम, वो हिंदी एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है ना। और जिसको पोइट्री की थोड़ी समझ है ना हिंदी में, जैसे कविताएं सुनना पसंद हो, अच्छा, थोड़ा थोड़ा वैसी हिंदी अगर जिसने पढ़ी है ना, तो वो कर सकता है। अच्छा, हिंदी लिटरेचर में जिसका इंटरेस्ट हो बेसिकली, कि स्टोरी का, हाँ, हिंदी लिटरेचर में जिसका इंटरेस्ट है, आपकी कविताएं रहती है, और जो रेगुलर बेसिस पे जिसका शौक भी है, कई लोगों का शौक होता है ना कविताएं सुनना और ये नॉवेल्स पढ़ना, हिंदी लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट होता है, उनके लिए भी अच्छा है, वो कर सकते हैं, क्योंकि गेम पूरा का पूरा लैंग्वेज पे पकड़ का होता है। अगर लैंग्वेज अगर आप काफी समय से प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसको, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिएगा। अब यार ये अपना मेंस का तो हो गया, आपने आप बता भी दिया, इसके बाद आपके पास टाइम बचा होगा ये सारा चीज करने के बाद? यस सर, लगभग बचे थे 8-9 मिनट बचे थे मेरे पास टोटल में। तो डाउट ये था कि मैथ्स में स्विच करें, वहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बना ले, या फिर मैंने रीजनिंग में जो पजल एक स्किप कर रखी थी उसको बना ले। फिर वहाँ पे मैंने रीजनिंग को ही बनाना प्रेफर किया था, क्योंकि वहाँ पे जो था ना, मैं पजल पहले से बना चुका था, आधी पजल कहीं पे मैं फंस रहा था, तो मैंने उसको बनाया था और वो पजल मेरी बन चुकी थी। तो फिर मैं 2-3 मिनट बचे थे, मैं 2 मिनट था लगभग, तो मैं मैथ के बजाय GM ही गया था कि कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में पड़े हों कहीं से तो आ जाए, फिर उन पे ही जाएंगे था, लेकिन वो वहाँ पे एक क्वेश्चन ही हो पाता था। सही है, सही है, सही। चलो बढ़िया, फिर तो आपने इस तरह से मेंस का कर दिया। अब मेंस के बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो वो बहुत दूर है, बच्चों का अभी तो इंटरेस्ट बहुत दूर है सर। कैसे कैसे, अच्छा, फॉर्म फिलिंग के टाइम भी बच्चों के कुछ डाउट्स रहते हैं, जैसे कि एक तो ये EWS का ज्यादा गड़बड़ करते हैं क्या सर्टिफिकेशन का, आपने देखा हो तो? सर जैसे EWS के बारे में दो चीजें हैं सर, अगर जैसे आपने अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सेंट्रल फॉर्मेट से मैच करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने डिफर करती है जरा सी भी कंडीशंस, तो आपका फॉर्मेट जो है वो IBPS के नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया है उस पर होना चाहिए, उस पे होना चाहिए, ठीक है। और OBC, और अगर आप होम OBC के लिए भी यही है क्या? OBC के लिए ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डेट, जो एप्लीकेशन डेट है ना लास्ट जो फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले का बना होना चाहिए, और आपकी हाँ अनुज कोई बात नहीं, बीच में अटक गया था। ओबीसी का क्या, नोटिफिकेशन से पहले बना होना चाहिए? हाँ जी, सेकंड वेट कीजिएगा, बस रिटर्न करते हैं, बस नेटवर्क का इशू है। तो
हाँ अनुज, अब क्लियर है? सर नेटवर्क ठीक नेटवर्क का है, इशू आ गया था। हाँ कोई बात नहीं, बस अब अपने एंड पे ही है सेशन। तो हाँ क्या ओबीसी के नोटिफिकेशन से पहले ओबीसी क्यों? हाँ ओबीसी के लिए बात है। हेलो हाँ आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। उसमें ये कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि क्यों नहीं है, वो पूछते हैं। बाकी आप फाइनल मतलब इंटरव्यू कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं, तो फिर वो इतना तो वो परेशान नहीं करते। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आप अंडरटेकिंग ले लेते हैं, तो बताएंगे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आप मैं परेशान नहीं करते। अच्छा, और परेशान नहीं ईडब्ल्यू एस करते? में तो भाई सबको अच्छा, ज्यादा परेशान परेशान? करते। चलो चलो ठीक बस यह है कि आपकी क्लास जो भी हो वो फॉर्मेट की लिस्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। है। नहीं, सही सही, ज्यादा परेशान नहीं करते, और समय भी दे देते हैं ना, कि कोई इधर उधर डिस्क्रिपेंसी हो तो अंडरटेकिंग के, और फिर आपको समय दे देते हैं कि भाई प्रोड्यूस कर दो, रिन्यू करना है तो रिन्यू कर लो, कोई चेंज करना है तो चेंज करवा लो। ठीक है, सही है सही। तो चलो अनुज, जाने से, ईडब्ल्यू तो चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जाने से पहले आप अपनी, ईडब्ल्यू एस के मैं कह रहा था कि बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा यस सर हाँ, जाने से पहले एक बार बच्चों को अपनी तरफ से सजेशन दे दो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नेट भी थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट हो गया, तो जल्दी से एक बार बता दो कि अब हाँ नेटवर्क का इशू क्या आ रहा था। करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, एक बार जल्दी से बता दो, क्योंकि आपने तो पढ़ाई की है, आपने एग्जाम देखो किया है ना, बताइए। आप सभी के लिए सिर्फ मेरी तरफ से ये रहेगा कि वैकेंसी पे फोकस मत करिए। आप जो भी वैकेंसी है आप उनको वही फाइनल मार के तैयारी करिएगा। जो भी ऐड करेगी नहीं ऐड करेगी इस पर डिस्कशन करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद आपका प्री एग्जाम है, उसके 1 महीने बाद आपका मेंस होगा। तो तैयारी पे फोकस करिए, बाकी जो क्या हो रहा है वैकेंसी ऐड होगी होगी इन पे फोकस बिल्कुल मत करिए। दूसरा अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाइए कि आपसे बेहतर जो भी है ना आप उनसे कंपटीशन नहीं कर रहे, आप खुद से कंपटीशन कर रहे हैं। आपने जो एग्जाम लिखना है ना वो खुद से कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि आपको टॉप में आना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। वैकेंसी कितनी है आपको ये पता ही नहीं होगा ना, वो तो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे डिक्लेयर होती है। तो कंसिस्टेंट रहिए अपनी तैयारी के लिए, और जहाँ से भी पढ़ सकते हैं ना, जैसे रीजनिंग सर बेस्ट पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे, मैंने पढ़ा है 2-2.5 साल, तो मुझे पता है मैं रीजनिंग में 0 से और ऊपर तक कैसे आ जाऊँ, मैंने 40 स्कोर प्लस कैसे किया है। तो आप लोग क्लासेस में डेली जाइएगा और पढ़ाई करिएगा, और बाकी गाइडेंस तो आपको सर से मिलता ही रहता है, सर से बेहतर गाइडेंस आपको कोई नहीं देगा, टाइम टू टाइम मिलता रहता है। कभी कभी सर डांट ही देते हैं क्लास में, तो उसको आप नेगेटिव मत लीजिएगा, वो पॉजिटिव होता है। चलो सही है सही है अनुज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अनुज ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, और मेनली अपने ने आरआरबी के स्पेसिफिक ही रखा, क्योंकि गारंटी नोटिफिकेशन आ रखा है, तो मैंने जनरल बातें ना पूछते हुए आरआरबी से रिलेटेड ही कुछ चीजें पूछी है। आई होप आप सभी लोगों के काम आएगी ये सभी बातें, अगर आप रेगुलर वे में, कंसिस्टेंट वे में अप्लाई करते हैं। तो चलिए गाइज, आज का सेशन अपने यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज अपना कीमती समय देने के लिए, और थैंक यू सर। आने वाले एग्जाम्स के लिए बच्चों को गाइड करने की। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर। थैंक यू सर।